अरे खेचो खेचो तुम दी राजू, जय हो कापे दगाओ कांटो लग गाओ, जय हो कांटो ऐसो वैसो नहीं लगो दखनी को कांटो लग गो। जो तुम्हें पतो है गांव को नाम परमा, भाई साहब बहुत खतरनाक गांव है, हमें कह रहे हैं हमें दाऊ के चले गए और का एक जबरदस्त टॉर्च लेके तो कांटो लिखा रहे थे अंदर तक देखकर कहां तक जले जाते और का। लेकिन जो कांटो ना निकाल पे जो दखनी को कांटो लगो, जय हो परमेश्वरी बताओ कैसे लगो। और तुम्हारी संग सो रहे थे दवाई में नींद है, नींद खुल गई कांटे। हाँ भाई रमेश भाई साहब ने मेरे को ले ली तुम्हारी आगे से फोटो, तो हमने कही का कही अरे खेचो खेचो तुम जी जाजू कर रहे मोरे प्राण, वो जाना कष्ट है जी जाजू। हमें ऐसा लग रहा हो कि मरत है कष्ट के मारे, तुम सही कह रहे हो ऐसा ही कछु लग रहा हो। अरे खेचो खेचो तुम जी जाजू कर रहे मोरे प्राण, अरे कर रहे मोरे कांटो तो हम कह निकल गए है, भगवान न जाने तुम्हारी पट्टी तरह खोजे और कर अभी नहीं लग रहा ऐसे इसे और खेचे लेते हैं काए डरा रही, खेचे लेते हैं काए डरा रही, हुई के ना नुकसान अरे हुई के ना नुकसान, सारी बात हमारी बहुत ज्यादा कष्ट है, इतने कष्ट है तुम हम कह रहे हम कह रहे तुम मानना नहीं है, राजा को बोल खा जाए हमें तो कष्ट है दद्दा सवेरे भाभी द्वार में होने लगे ना और कहा राजा को नहीं खाओ राजा को पड़ो है का परिवार। अच्छा परिवार और तुम का समय नहीं, नहीं हम तो हकीकत बता रहे कि बहुत कष्ट को कांटो लगो बताओ के जीजा भारी हूँ। सही बात को नहीं मोरा बता दो असली के बहुत दर्द है ओ भगवान के जीजा भारी खून चुचा रहा हो के देखे मोए पसीना आ रहा हो। राजा की लो कौशवे के लाने ये तोलिए नहीं लाए। अच्छा तुम तो हम कह रहे भी पुष्कट उतार दे तुम क्यों तो सेट उतार दे और कहा उतरवाने तुम उतार दे तुम तो क्यों लेके और कहा जो उनका वो निदान ने डॉक्टर ने लुआ चली गई बस तुम्हारे से आए के जीजा भारी खून जाओ देख मोए पसीना आ रहा इधर से जो जी घबरा रहा इधर से जो जी घबरा रहा। इतनी अकबकी मत रही कि का बता बहुत ज्यादा और क्या वो का है बताओ। अरे पहली बेर पिड़ो है जीजा ऐसे ज्यादा दर्द कर रहा हूँ पहली पहली बेर पिड़ो इनके हमारे दतिया में दखनी नहीं होते थे बहुत ज्यादा दर्द हम ऐसे तो तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है एक आध बेर और पड़ जाओ तुम्हें अंदाज हो तो कितने दर्द होता है और का दखनी और का
भाई परमा को कांटो परमैया से हुए वो तो और का जय हो पनमेश्वरी पुरा आई तुम दाऊ के गांव में। अरे पहली बेर पड़ो है सर। रमेश भाई साहब से कह देते हैं गाड़ी लेके आते भाई साहब का पैदल में आप। अरे पहली बेर पड़ो है सर निकली जा रही जान। अरे निकली जा रही जान मोको का करते भाई अब लग जाओ तो तसल्ली तो करने आए और पिड़ी गाँव तो अब तसल्ली से खींचे काहे के हमारे दाऊ के यहाँ हर काम तसल्ली से किया। तुम्हें तसल्ली दिखा रही की तो प्राणन पे बीत रही सारी करो ना मोनो चे चे के हम तो धीरे धीरे खेचे सारी करो ना मोनो चे चे हम तो धीरे धीरे हरदम हमने कही थे कोई सारा करो भैया और देखो मुश्किल मार गए उतनी पूछने जाए तुम सोच रहे काहे कि एड़ी में कांटो लगो कोड़े में अगर बार बार देखो तो दर्द और ज्यादा हो नहीं तो एड़ी है हमारी देखो बगल में जय हो पनमेश्वरी। हम जाना थे भाई साहब हम कह रहे हैं भाई साहब जाओ काऊ ने काऊ को पता नहीं आता आजकल हाई स्कूल पास तो पेटे में से आ रहा है जो ही पढ़ाई पढ़ के इतने के सारे में समझ इतने केवल बोल की दिखाई दिखाने जय ना खोनेंगे नंगा नंगा तो तई होंगे तुम्हें के सारी करो ना बोलो हम तो धीरे धीरे हर दम गाये हम जो कह रहे तुम्हें पता ही नहीं पड़े हो दो मिनट के अंदर काम हो जाए। अच्छा हो जाओ हम कह रहे दाऊ तो दो ही नहीं लगा पूरे दाऊ खुद टेम लगे कह भी नहीं तो दिखाते नहीं वैसे ही और काम दाऊ सोच रहे को बुढ़ापे में किस्मत खुल जाए हमारे एक बार मौके मिल जाए खेचवावे को और काम तुम तो केवल एक काम करो ताऊ सोई खेलते कि धीरज धरे परी रहो सारी धीरज धरे परी रहो सारी सादे रहो तो कुतान और सादे रहो तो कुतान सारी बात हमारी तुम्हें लेकिन कछु नहीं दिखा रहा हूँ हम कह रहे हैं जल्दी निबटने हो तो दाऊ न कहीं जाओ दाऊ को अगर आराम से निबटने हो तो बगल में हमें रमेश भाई साहब बैठे पेशाई से न करवाने हो तो लेकिन कि हमें दर्द कितो हो रहा हो कितने हो रहा हो के जीजा काए मानत नैया के दिन में दिख रही मोए करैया दर्द ज्यादा है बहुत ज्यादा है तो मान ही रहने लग रहा हूँ के जीजा काए मानत नैया बच्चा अगर गुआ को दूध तोल लिया भर दो पेलम पेल अगर गुआ के दूध से मिट भूरो भूरो न कर पा मैं जल्दी कड़िया ढंग गया मार टोन।